पानी के नीचे है ना उन्होंने आग लगाया। आग पानी से भागता पर फिर भी। बच्चों को सिखाना क्या चाहता है तू? कि पानी के नीचे आग लगाओ। मिस्टर क्रैब, जो क्रैब है मतलब के केकड़ा, और जो उसकी बेटी है वो बड़ी सी वेल है। पिता और बेटी दोनों का चेहरे तो बिल्कुल नहीं मिलते पर चाहत भी नहीं मिलते। एक कुत्ता है, दूसरा भी कुत्ता है। एक मालिक है, एक कुत्ता है। मालिक जो है वो इंसान नहीं है, वो कुत्ता है। और कुत्ता जो है वो ऑब्वियसली कुत्ता है। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? तो आज हम क्या देखने वाले हैं? कार्टून लॉजिक्स, जो समझ में नहीं आते बिल्कुल भी। कार्टून को देख के हमको इंस्पिरेशन नहीं लेना है बस। मेरे को आते तो कार्टून इसमें पता ही नहीं है कहाँ से आए। हम गाना कहाँ से सुनते हैं? ऑब्वियसली आप लोग कहेंगे कि भाई ये कैसा सवाल है, हम अपने कानों से ही सुनेंगे ना, और कहाँ से सुनेंगे। नहीं, कार्टून में कानों का तो कोई लॉजिक नहीं है। ये जनाब जो है ना रखे ठीक से, खरगोश के कान ऊपर होते है ना, उसके कान ऊपर है, ये कहाँ से सुन रहा है म्यूजिक? तू जहाँ से भी सुन रहा है ना, मेरे को पता है तू एक्टिंग कर रहा है। और एक और बात, इसके चश्मे का सपोर्ट कहाँ है, इसका मेरे को पता क्यों नहीं चल रहा? मैं दिमाग नहीं लगाऊंगी, ये कार्टून। स्पंज बॉब तो मैंने बहुत देखा हूँ, जब मैं छोटी थी ना मैंने बहुत ही ज्यादा देखा। मेरे को विचार तो आ रहा था कि ये पानी के नीचे, फिर मेरे को ऐसा नहीं लगता कि वो पानी के नीचे। फिर मैं ये देखती थी, पानी के नीचे है ना उन्होंने आग लगाया। आग, आग पानी से भागता पर फिर भी पानी में आग जला दिया। अरे वाह, बच्चों को सिखाना क्या चाहता है तू? कि पानी के नीचे आग लगाओ। अब ये जो हमको दिख रहा है, एक बात माइंड में रख लेना, एक कुत्ता है, दूसरा भी कुत्ता है। एक मालिक है, एक कुत्ता है। मालिक जो है वो इंसान नहीं है, वो कुत्ता। और कुत्ता जो है वो ऑब्वियसली कुत्ता है। कुत्ते कुत्ते को वॉक पे ले जा रहे हैं, मतलब कि कुत्ता ही कुत्ता का ओनर है। मेरे को और नहीं समझाना इसका। दोनों कुत्ते हैं, फिर एक कैसे मालिक हो सकता है और एक कैसा पालतू जानवर हो सकता है, मेरे को पहले ये बता। और एक दो पैरों पे चलता है और एक चार पैर में। वारे बाद आप फेस पे गौर करो ना, तो दोनों कुत्ते ही है, सेम का सेम फेस है। फिर भी नहीं, क्रिएटर ने यही सोचा होगा, और तो क्या सोचता। नहीं, हम बिल्ली नहीं बना सकते, चूहा नहीं बना सकते, हमें कुत्ता ही बनाना है कुत्ते के लिए। क्या बेहुदा लॉजिक है। ये लॉजिक है ना मेरे माइंड में भी आया था जब मैं छोटी थी ना, तब इतनी बुद्धि मेरे में थी। मिस्टर क्रैब, जो क्रैब है मतलब के केकड़ा, और जो उसकी बेटी है वो बड़ी सी वेल है। पिता और बेटी दोनों का चेहरे तो बिल्कुल नहीं मिलते पर चाहत भी नहीं मिलते। मेरे को पता नहीं कि कार्टून से हमको कौन सा सीख लेना चाहिए, अच्छा वाला या बुरा वाला, इसका क्या लॉजिक है भाई, कभी पता नहीं चला। मेरे को बात ही नहीं करनी इसके विषय। एक पिता और एक बेटी, दोनों के अलग अलग जाति। वाह, मैंने सिम्पसन्स देखा था जब मैं अमेरिका में थी, मैं यहाँ पे थी ना तब वो चैनल ही नहीं आता था, पता नहीं क्यों। तो सिम्पसन्स जो है ना उनके बालों का शेप बहुत ही ज्यादा अजीब था, उनके माँ का देखो ना ऐसा बाल कौन रुकता, तो उनके बालों का शेप है ना सारे के सारे का अजीब ही है। बट वो उनका बालों का शेप क्यों है पता है आपको? क्योंकि उनका कंकाल है, कंकाल ऐसा दिखता है। मेरे को क्या अज्यूम करना है? मेरे को ये अज्यूम करना है कि उनके बाल नहीं थे, उनकी खोपड़ी थी, या मेरे को ऐसा अज्यूम करना है कि उनके खोपड़ी है ना उनके बालों के साथ म्यूटेट हो गए और खोपड़ी बन गई? मैं सच बोलूँ ना, मैं जो अभी अभी बोली ना मेरे को नहीं मालूम मैं क्या बोली बस। ये प्राणी किस दुनिया का ना मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि मैंने ये कभी भी नहीं देखा, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मेरे को इसमें साफ दिख रहा है कि तेरा हाथ निकल जाने, अगर ऐसा कर दो ना तब भी निकल जाएगा, पर नहीं, मेरे को खोल दो, मेरे को ईमानदारी से बाहर जाना है। मेरे को ऐसे नहीं जाना है कि मैं अपने आप ही छूट कर भाग गया, नहीं, मेरे को खोल दो। सच में नहीं, सच में इसने क्या जुर्म किया होगा ना वो मेरे को जानना है। और इतने बड़े थे कि वो ऐसा कर देता ना तब भी गिर जाता, पर नहीं, मैंने जो कहा ईमानदारी। किसका त्रिकोण शेप का हेड होता है पहली बात तो, शॉट का क्या मारता है, ये पैदा कैसे हुआ होगा? और मेरे को कुछ नहीं बोलना, मैं भूल गई इसमें क्या गलत है। पाव पाव गर्ल्स है ना वो मेरा फेवरेट टीवी शो था जब मैं छोटी थी ना तब। उसका एक लॉजिक तो मेरे को भी मन में आया था कि उनके उंगलियां क्यों नहीं है, भले कार्टून के पास चार ही उंगलियां वो पर होती तो है, इनके पास तो थे ही नहीं। चॉपस्टिक्स जो होती है वो लोग कैसे पकड़ते होंगे, मैं इस तरह से भी समझ सकता। चॉपस्टिक्स को वैसे भी पकड़ना कितना मुश्किल काम है, मेरे से तो होता ही नहीं है। मैं तो अपने काटा वाली चमची है ना उसमें ही खुश हूँ बस। मैं जब भी चाइनीज रेस्टोरेंट में जाती हूँ ना साइड में है ना चॉपस्टिक देते, पर मैं ना काटा वाली चमची मंगवाती हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं खाना आता। मैं उसमें जरा भी शर्म नहीं रखती, मेरे को नहीं आता मतलब नहीं, मेरे को सीखना है, नहीं मेरे को नहीं सीखना। तो ये कैसे खाती होंगी बिना उंगलियों के? अब और एक बात, ये रॉक पेपर सीजर्स खेल रहे हैं बिना उंगलियों के, इसमें इसको कैसे मालूम पड़ा कि क्या कौन सा किसको किसको आया है? मेरा जीभ लबलबा रही है, मेरे को बोलना भी नहीं है, चलो हटो। कभी आपने सोचा है कि हम आंखों से
म्यूजिक सुनना चाहते हैं। सुनो आंखों से म्यूजिक, सुनाई देता है कुछ भी। पर मिस्टर क्रैप को तो सब कुछ सुनाई देता है अपने आंखों से। नहीं, मेरे को आंखों से सुनना है। आंखों में हेडफोन्स लगा दिए, मैं सुन रहा हूँ म्यूजिक। नहीं, सच में और कोई भी चीज इसको नहीं मिली बॉस, आंख के सिवा। कान तो है ही नहीं हा? मेरे को है ना म्यूजिक सुनने का होशियारी तो मन नहीं है। मैं इतना पैसा कमाता हूँ, मेरे को म्यूजिक सुनने का ओके। कान नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपने आंखों से सुनूंगा। चलो हटो। तो मंजरी है ना, जब भी बाहर जाते थे ना, तब वो बिल्कुल कपड़े बिना कपड़ों के, मतलब के निर्वस्त्र जाते थे। और जब उनको बीच में जाना, मतलब के दरिया के किनारे जाना होता ना, तब वो कपड़े पहनते थे। तो मंजरी ऐसा कहते होंगे ना, मेरे को मजा आ रहा है नंगे घूम के, पर मैं जब बीच में जाऊंगा ना, तब मैं कपड़े पहन के नाऊंगा। टार्जन जो है वो पहले से ही जंगल में रहता था, बराबर बड़ा भी जंगल में ही हुआ। 22 साल या 23 साल या 24 साल का तो दिख रहा है मेरे को, इतना तो मेरे को दिख रहा है। तो उसने दाढ़ी क्यों नहीं बढ़ाई, दाढ़ी क्यों नहीं हुई? वो सेव कैसे करता होगा, पहले से ही जंगल में रहता है, पर उसके दाढ़ी बिल्कुल एक बाल भी नहीं होगा। कुछ भी समझ में नहीं आता मेरे को, इन कार्टून में कुछ भी समझ में नहीं आता। चलिए दोस्तों, आज के लिए था इतने। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप और सब्सक्राइब करना ना भूलना मेरे चैनल को। मैं आपको वापस एक और वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय।